मैनपुरी जिले में बोलेरो कार से घर वापस लौट रहे व्यापारी का गांगसी कुचेला के पास ओवरटेक करके एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार ने रोक लिया। चार हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने बोलेरो सवार व्यापारी को निकालकर जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डालकर ले गए। वहीं बोलेरो कार के शीशे भी तोड़ दिए और ड्राइवर को वहां छोड़कर फरार हो गए। मैनपुरी अपहरण की सूचना लगते ही पुलिस हरकत में आई। घटना के खुलासे के लिए चार टीमें लगाई गई हैं। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक मैनपुरी अजय कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। व्यापारी की तलाश के लिए चार टीमें लगा दी गई हैं। जो भी इस घटना में दोषी होगा उस पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना दन्नाहार क्षेत्र की कीरतपुर चौकी का है। सोमवार शाम को व्यापारी सुलेमान, जो कि दुहली बरनाहल क्षेत्र का रहने वाला है, दुहली पर ही बिल्डिंग मटेरियल का व्यापार करता है। कल शाम को जब यह मैनपुरी से घर वापस दुहली के लिए निकले, लगातार एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार उनका पीछा कर रही थी, लेकिन इनको यह आभास नहीं था यही स्कॉर्पियो कार कोई घटना का इंगित करेगी। हालांकि व्यापारी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, जिसके चलते जब यह सफेद रंग की कार बरनाहल मैनपुरी मार्ग पर गांगसी कुचेला पुल के पास पहुंची, उसी समय कार ने ओवरटेक करके बोलेरो को रोक लिया और व्यापारी सुलेमान को चार हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने जबरदस्ती खींचकर अपनी स्कॉर्पियो कार में डालकर ले गए। सुलेमान के ड्राइवर व उसकी बोलेरो को वहीं छोड़ दिया, साथ ही ड्राइवर का फोन भी अपने साथ ले गए। कुछ देर बाद जब राहगीर वहां से निकले तो इमरान ने इसकी सूचना पुलिस और परिजनों को दी। अपहरण की सूचना लगते ही पुलिस हरकत में आई, नाकाबंदी की। वहीं घटनास्थल पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे और जांच में जुट गए। साथ ही परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया और अपहरणकर्ताओं की तलाश शुरू कर दी है। अच्छा, किसी से दुश्मनी या कोई बात थी क्या? हमारा शौकीन है। शौकीन, क्या पूरा मामला, क्या घटना हुई है? हमारा बेटा कल ड्राइवर को लेकर और गाड़ी लेकर मैनपुरी के लिए निकला था 10 या 10:30 बजे। बिल जमा करना थे सेल टैक्स के, GST के, और उसके बीच में फिर हमारी बात नहीं हुई है। अब दिन में किन किन लोगों की बात हुई है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन 4 बजे तक लौट के वापस आ जाते थे। 2 महीने में 1.5 महीने में आना जाना था उस जगह पर जिस जगह कर रहे थे, और मैंने भी कल बात नहीं की। अपनी काम ज़्यादा उनके पास, वहाँ पर बिजी हो जाते हैं, तो मैंने बात नहीं की। ये घटना थाना दन्नाहार क्षेत्र जनपद मैनपुरी का है। इसमें एक सद्दाम हुसैन नामक करीब 30 वर्ष के युवक ने एक तहरीर पुलिस को दी है, जिसमें बताया है कि उनके बड़े भाई सुलेमान अपने ड्राइवर के साथ बोलेरो गाड़ी से मैनपुरी शहर से अपने घर की तरफ लौट रहे थे। उसी दरमियान सफ़ेद स्कॉर्पियो गाड़ी से चार लोग आए हैं और उन्होंने उनके बड़े भाई सुलेमान को अपने साथ लेकर के गाड़ी में बैठा करके भाग गए हैं। जबकि बोलेरो गाड़ी और ड्राइवर इमरान को छोड़ गए हैं। इस तरह की तहरीर इनके द्वारा दी गई। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।